चीन में लगातार बढ़ते कोरोना के केस के बाद भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। चीन के बाद भारत में भी BF7 वेरिएंट का डर सताने लगा है। जिला प्रशासन की ओर से भी SOP जारी कर दी गई है। SOP के मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगह से दूरी बनाए, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करने आदि के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमण को मात देने के लिए बूस्टर डोज लगाने का अभियान फिर से शुरू किया गया है और प्रिकॉशन डोज से छूटे लोगों को टीकाकरण कराना शुरू कर दिया गया। टीकाकरण कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऋषिकुल वैक्सीनेशन सेंटर पर 50 लोगों ने टीकाकरण कराया। टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेश चौधरी ने बताया कि लाभार्थियों को COVID-19 वैक्सीन लगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर रेडक्रॉस की टीमें तत्पर रहकर कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति ऋषिकुल जंबो वैक्सीनेशन साइट आवश्यकता अनुसार 24 घंटे चलती रहेगी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। जब से चाइना में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और पूरा ही विश्व में एक तरह से अलर्ट मोड में सभी कंट्रीज ने अपने स्वास्थ्य विभाग को कर दिया है और हमारे भारत में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही चाइना के मीडिया के माध्यम से और जहां से भी वो खबरें मिली हैं उसको तहत पूरे भारत को अलर्ट मोड में ले लिया है और पूरे हमारे जितने भी प्रदेश हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री उनके मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दिया है और हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी उसी दिन से सभी को जिसको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी थी यानी बूस्टर डोज नहीं लगी थी उनको जागरूक किया है कि आप समय रहते हुए अपनी प्रिकॉशन डोज अवश्य लगवा लीजिए और साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है। हम लोग भी जब से ये इस तरह का वैक्सीन के लिए फिर से जागरूकता बढ़ी है, जबकि एक बार मैंने देखा हमारी जो ऋषिकुल जंबो वैक्सीनेशन साइट है 24 घंटे चलती है और इसमें जब प्रिकॉशन डोज के लिए हज़ारों की संख्या में लाभार्थी आते थे।